महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इसी कड़ी में मोगा में स्कूली बच्चों ने महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर जागरूकता रैली निकाली। बता दें कि इस रैली की अगुवाई MLA डॉक्टर अमनदीप कौर ने की। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को जागरूकता के प्रति संदेश दिया। देश विच दिन ब दिन अत्याचार वाधा जा रहा है, खास करके महिलावां दे खिलाफ। तां वह अत्याचार नूं रोकण वास्ते अज असीं इत्थे इकट्ठे होए हां। असीं इत्थे लोकां नूं जागरूक करना चाह रहे हां। जिवें अज दा दिन 25 नवंबर ये इंटरनेशनल डे है औरतां दे खिलाफ हो रही हिंसा नूं खत्म करन लई। सो असीं उस वास्ते एक रैली कढ रहे हां, सारे इकट्ठे होए हां। अज असीं रैली कढ रहे हां, अज अंतरराष्ट्रीय दिवस है औरतों विरुद्ध हो रही हिंसा नूं रोकण बारे। तो असीं रैली तां करके कढ रहे हां तां कि समाज विच जागरूकता आवे ते लोकां नूं पता चले। अज इस दिवस असीं अपने सेंट जोसफ स्कूल वालों मनाए जा रहा है, इंटरनेशनल डे है, जिस दे विच सारे लोगों नूं जागृत करे जांदा है तां कि विमेंस औरतों के विरुद्ध जो ही हिंसा दा कम चलता है वह बंद हो जाए। अज इंटरनेशनल डे हैगा वायलेंस अगेंस्ट वूमेन रोकण दे लई। सो उन्हां वल्लों जिहड़ा हैगा अज मनाया जा रहा। और कि औरतों नूं भी बराबर दे अधिकार मिलन जिन्हें मर्दों नूं मिलदे आ रहे हैं, तो औरत नूं भी उन्ना ही सत्कार मिला जिन्ना मर्द नूं इस सोसाइटी च मिल रहा है। इसलिए असीं जो औरतों नूं जागरूक कर रहे हैं, सारी दुनिया नूं जागरूक कर रहे हैं कि औरतों के अधिकार बराबर हैं जिन्ने कि मर्दों के।